ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे FTUK, जो कि जाना जाते थे forextradersuk.com के नाम से, लेकिन रीब्रांडिंग करी इन्होंने तो नाम चेंज करके अब FTUK हो चुका है, जो कि सिमिलर है FTMO से। FTUK एक प्रॉफ फर्म है जो कि फॉरेक्स कमोडिटी इंडिसीज या फिर मेटल्स पे आपको ट्रेडिंग करने का मौका देते हैं और इसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं कैपिटल। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं प्रॉफ फर्म्स, तो ये सारी डिटेल्स मैंने पास में बताई हुई है। फिलहाल इस वीडियो में बात करूंगा मैं जो इनका इवैल्यूएशन प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर चुका हूं, तो उसका क्या प्रोग्रेस है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा इवैल्यूएशन प्रोग्राम मैंने पिक किया है, तो वो है सबसे लीस्ट वन। मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है इनका 10,000 pounds वाला जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, इसकी वैल्यू है 119 pounds। अगर आप चाहें इसको ज्वाइन करना तो इसका 5% कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लास्टली स्पोकन ये कूपन कोड है, और इससे आप 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका लॉगिन करता हूं मैं डैशबोर्ड पे और लेट्स सी इसका क्या स्टेटस है। ऑलराइट, ये है FTUK का ट्रेडिंग डैशबोर्ड और यहां पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हुआ था 24th March को और इसका एंडिंग टाइम है जो है 22/6/2022। ऑल्दो ये 180 दिन का प्रोग्राम है, फिलहाल वेबसाइट में थोड़ा सा अपडेट इनका लेट होने वाला है तो उसकी वजह से 90 डेज यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन ये पूरे 6 महीने का प्रोग्राम है। कहने का मतलब ये है कि जो 24 मार्च को स्टार्ट किया था हमने तो ये 9th month तक स्टार्ट रहेगा, मतलब 24/9 तक रहेगा। इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको, एक 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आपको केवल 10% अचीव करना है, जिसमें अगर देखूं मैं ट्रेडिंग की हिस्ट्री तो 24 मार्च से मतलब केवल 10 दिनों का टाइम हुआ है, उसमें भी आप ट्रेडिंग डेज को कंसिडर करें तो सैटरडे संडे आपके कंसिडर नहीं होंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 दिन ये हट चुके हैं और 2 दिन ये, कुल मिला के लगभग 1 हफ्ते की ट्रेडिंग हुई है और उस पर ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 4.93% हमने ग्रोथ यहाँ पर दिखाई हुई है। और आई नो थोड़ा रिस्की लिया था हमने गेम यहाँ पर, क्योंकि 5-6 दिन में अगर आप 5-6% अचीव कर रहे हैं मार्केट से, विच इज समवेयर रिस्की, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था वहाँ पर जहाँ पर हमें रखना चाहिए, तो बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग हमने नहीं की है। और लॉट्स थोड़ा हैवी मारे थे, इसका मैं यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये ग्रोथ चार्ट है हमारे सामने, आप देख सकते हैं इसमें हमारा इक्विटी नेगेटिव में थोड़ा सा यहां पर गया हुआ है, जहां पर 15 pounds का हमारे पास ड्रॉडाउन हुआ था, क्योंकि हमें पता था स्टॉप आउट के लिए लगभग 125 pounds स्टॉप आउट का कैपिंग था हमारे पास, तो इसमें स्टार्टिंग के 1-2 trades नेगेटिव में गई थी, तो उसके बाद फिर हमने हिट अच्छा खासा किया था, 2590 तक हमने जो है यहाँ पर कैपिटल ले गए थे, हम इक्विटी ले गए थे। तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया था और फिर से हम लगभग 2510 pounds के आसपास आ चुके थे, तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं फिर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है ग्राफ में। तो अभी फिलहाल हम बैठे हुए हैं 2623 pounds पे और यहाँ से प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो लगभग हाफ ऑफ द जर्नी वी हैव कंप्लीटेड, सो नाउ ऑलमोस्ट 5% का टारगेट और है, लेट्स सी इसको क्या हम अचीव कर पाते हैं या फिर हमारा स्टॉप आउट हिट होता है, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में आने वाले समय में। और इसके लिए बात करें ट्रेडिंग, आई नो आपको यहाँ पर ट्रेड काउंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि मैंने मल्टीपल ट्रेड एक ही पर्टिकुलर ट्रेड में छोटा रिस्क लेके, यानी मल्टीपल ट्रेड्स के, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 0.1 का लॉट मारना है तो वहाँ पर मैंने 0.1 के 10 ट्रेड मारे हैं, तो इस तरह से ये जो काउंट है ये आपको ज़्यादा दिख रहा है, 74 ट्रेड दिख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा है स्पेशली, तो मैंने इनको
रिस्क मैनेज करने के हिसाब से उनको जो है मल्टीपल टारगेट सेट करने के लिए ट्रेड के काउंट्स बढ़ाए थे, लेकिन उस पर रिस्क जो है वो मैनेज करके चला हुआ था। ठीक है, तो ये है फिलहाल डैशबोर्ड का हाल। 10 दिनों की ट्रेडिंग है लगभग ये, तो हमारे पास टारगेट अभी यहां पर देखा जाए तो गेन का टारगेट 250 पाउंड का है, तो उसमें से 123 पाउंड अचीव हो चुका है जो कि फुलफिल होना बाकी है। टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा है, एज ऑफ नाउ लगभग 10 या 12 दिन की ट्रेडिंग हुई है, तो 6 महीने से आप उतना माइनस कर लीजिए, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बस ज़रूरत है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ सही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की। इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा ये मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। एंड इसका इवैल्यूएशन प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग प्रॉप फर्म है ये, और अगर कैपिटल की बात की जाए तो बहुत तगड़ा कैपिटल आपको प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पर आप देखें इसके स्केलिंग अप प्रोग्राम को तो अप टू 2.24 मिलियन तक आप यहाँ पर अकाउंट को जो है स्केल कर सकते हैं, और ये करेंसी होगी पाउंड में। तो इस हिसाब से इनके प्रोग्राम आप देखिए, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से, और सुपर फास्ट कस्टमर सर्विस है जो पॉजिटिव है, अप टू 80% तक आपका स्प्लिट है, 0 ट्रेडिंग डेज है मिनिमम, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो एक दिन में ही अपना इवैल्यूएशन प्रोग्राम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होगा। रिस्की गेम नहीं खेलना, सेफ साइड में चलें, क्योंकि 180 दिनों का टाइम है तो उसको पूरा यूटिलाइज करें। लेवरेज 1:2 मतलब लो रिस्क के लिए है, अगर हाई रिस्क चाहिए आपको तो इसी पे आपको 1.30 का आपको जो है लेवरेज मिलेगा यहां पर। बाकी वैल्यूएशन पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो इंस्टेंट फंडिंग का ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है, आप इंस्टेंट फंडिंग भी चूज कर सकते हैं। ओवरऑल ब्रांड के लिए एज ऑफ नाउ बहुत अच्छे खासे रेटिंग्स भी हैं इनके। अगर मैं ट्रस्ट पायलट की बात करूं तो अच्छा खासा रेट किया है इन्हें ट्रस्ट पायलट में। एक बार इनकी रेटिंग हम चेक करते हैं ट्रस्ट पायलट में, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रस्ट पायलट के हिसाब से इनकी रेटिंग क्या है। तो यह है FTUK ट्रस्ट पायलट की साइट पर हूं फिलहाल मैं, तो यहां पर 4.8 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं 56 लोगों ने यहां पर रिव्यू किया है, और इनके रिव्यूज जो हैं यहां पर आप देख सकते हैं सभी ने लगभग 5 स्टार इनको रेट किया है, जो कि वेरीफाइड रिव्यूज हैं, कोई फेक रिव्यूज नहीं है। तो कुल मिला के नए फर्म है, तो इसमें जो रिव्यूज हैं अभी केवल 56 हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनकी सर्विसेज हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांगली कस्टमर सेंट्रिक हैं, और इनका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ही इन्हें बाकी ट्रेडिंग प्रॉप फर्म जो हैं उनसे अलग बनाता है। ठीक है, सो अगेन आउट से अगर आप एक ट्रेडिंग प्रॉप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग फर्म है एज ऑफ नाउ, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपने खुद के कैपिटल से करना चाह रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट अगर आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं आपके पास स्किल्स हैं लेकिन कैपिटल की कमी है, इवैल्यूएशन प्रोग्राम आप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि केवल 10-12 हज़ार का प्रोग्राम है सबसे छोटा, उसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और जब भी आप ट्राई करेंगे तो कूपन कोड लास्टली स्पोकन अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, जो आपको देगा 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग।